Hello everyone. In today's lecture, we will study about output unit or devices. Okay, so here is our output unit. तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आउटपुट यूनिट क्या होता है। तो आउटपुट यूनिट किसी भी तरह का रिजल्ट को, प्रोसेस्ड डेटा को हम लोगों को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है आउटपुट यूनिट का। आउटपुट यूनिट को यूज़ करके हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, हम लोगों को जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, प्रोसेस्ड किया हुआ डेटा जिसको हम फाइनल रिजल्ट बोलते हैं या फिर फाइनल आउटपुट भी बोल सकते हैं। यू कैन सी हेयर आई हैड रिटन द डेफिनेशन। Output unit is used to display or provide the processed data as final result using various output devices. अब output devices बहुत तरह के होते हैं। Many types of output devices are there. You can see in the figure. जैसे कि monitor है, ये किसी भी processed data को या फिर output को display करके हम लोगों को दिखाता है अपनी screen पे। Headphone है, headphone के help से आप क्या करते हो, system sound को आउटपुट के तौर पे आप सुन सकते हो, राइट। प्रिंटर, प्रिंटर आपका सॉफ्ट या फिर डॉक्यूमेंट बोल सकते हो, सॉफ्ट कॉपी को या फिर डॉक्यूमेंट को एक हार्ड कॉपी या फिर प्रिंटेड कॉपी पे आपको पेपर पे प्रिंट करके प्रोवाइड करता है। तो प्रिंटर का काम क्या है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट को पेपर पे प्रिंट करके प्रोवाइड करना, और वो हमारा आउटपुट होगा। स्पीकर क्या करता है, जैसे हेडफोन सिस्टम साउंड को हम लोगों तक पहुंचाता है, वैसे ही स्पीकर भी क्या करता है, सिस्टम साउंड को एम्पलीफाई करके हम लोग तक पहुंचाता है, ठीक है। सिस्टम साउंड जो भी सॉन्ग्स आप सुनते हो हेडफोन को यूज़ करके या फिर स्पीकर को यूज़ करके, साउंड्स जो होता है वो डिजिटल वॉइस में होता है। हमारे सिस्टम में जब वो साउंड होता है ना, तो वो जीरो और वन के फॉर्मेट पे होता है, जिसको हम बाइनरी नंबर भी बोलते हैं या फिर बाइनरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर हमारा वॉइस, हमारा जो वॉइस होता है जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पे होता है, कंप्यूटर वो चीज़ नहीं समझता है। कंप्यूटर समझता है जीरो और वन का लैंग्वेज, जीरो और वन का भाषा, राइट। तो जो भी साउंड या फिर वॉइस होता है ना सिस्टम में, वो जीरो और वन के तौर पे होता है, जिसको हम डिजिटल वॉइस भी बोलते हैं। फिर वो एम्पलीफाई होके, कन्वर्ट होके हमको एज आवर नॉर्मल वॉइस बाहर आता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, वी लिसन टू इट। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर भी एक तरह का आउटपुट यूनिट, आउटपुट डिवाइस है, विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर इन ए लार्ज एरिया, राइट। जैसे कि प्रोजेक्टर के यूज से हम लोग फिल्म देखते हैं बड़े स्क्रीन पे, राइट। किसी भी वॉल के पहले रख दिए तो वॉल पे आपका वो स्क्रीन प्रोजेक्ट हो जाएगा। किसका स्क्रीन, तो प्रोजेक्टर को आप जिस भी डिवाइस से कनेक्ट करो या अपने सिस्टम से कनेक्ट करो, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करो, तो उसका स्क्रीन क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा एक बड़े स्क्रीन पे, जहाँ पे भी प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट कर रहा हो। तो ये सब सारे हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो इसके जरिए हम लोगों को फाइनल आउटपुट या फिर रिजल्ट बोल सकते हो, वो हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। आउटपुट अलग अलग फॉर्मेट पे मिलता है, जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा, ये आउटपुट एज अ डिस्प्ले मिलता है, आउटपुट एज ए प्रिंटेड कॉपी मिलता है जिसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, ये आउटपुट हो गया स्पीच आउटपुट। स्पीच आउटपुट मतलब जो वॉइस हम सुन सकते हैं, राइट। तो इस तरह का, बहुत तरह का अलग अलग फॉर्मेट का हम लोग को आउटपुट मिल सकता है यूजिंग वेरियस आउटपुट डिवाइसेस। सो सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले सकते हो, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। So this was all about output unit. In the next lecture, we will go through some of the other output devices such as monitor, printer and all. Thank you.